हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा टोपी का डिज़ाइन बना के बताने वाले हैं। ये हमने 2 से 3 साल के बच्चे तक के लिए बनाया है। इसमें जो हमने डिज़ाइन डाला है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें। देखिए, इसमें हमने ये पिम्पम भी लगाया है और इसको हमने 3 कलर में बना के रेडी करा है। आई होप आपको मेरी कलर कॉम्बिनेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगाए मैंने जो मैंने ये कलर लगाए हैं वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका हमने नीचे का बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने इसमें देखिए इस तरह से पहले एक नॉट लगाएंगे हम क्रेशियो में और फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 10 चैनें बनाई हमने। 10 चैनें बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और जो 10वीं चैन है ना इसमें हम इस तरह से डालेंगे और एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे, एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट में डालेंगे, एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। फिर देखिए इसमें भी डालेंगे, एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे और इसमें भी डालेंगे, एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे, इसमें भी एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। तो ये जो हमने 10 चैनें बनाई है ना इसमें हमें सभी में एक एक सिंगल क्रेशियो बनाना है। तो देखिए इसमें हमने सभी में देखिए यहाँ पे भी हम लास्ट में भी बनाएंगे। देखिए 10 चैनों में हमने ये सिंगल क्रेशियो बना लिया है। देखिए हमने ये 10 चैनों में सिंगल क्रेशियो बना के रेडी करा है। अब एक चैन बनाएंगे और इस तरह से पलटेंगे। अब देखिए जब हम बनाते हैं ना तो यहाँ पे 2 चैनें होती, 2 धागे होते हैं। देखिए इस तरह से 2 धागे होते हैं ना, तो हमें देखिए ये फर्स्ट वाली चैन में डालना है और पीछे वाला धागा देखिए इस तरह से पीछे वाला धागा हम एक धागा उठाएंगे इस तरह से, दोनों नहीं उठाने हैं और हम इसमें एक सिंगल क्रेशियो बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे भी डालेंगे, पीछे से एक धागा उठाएंगे और सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। अब देखिए इसमें भी एक पीछे से धागा उठाएंगे और सिंगल क्रेशियो बनाएंगे और यहाँ भी हम एक पीछे से धागा उठाएंगे, सिंगल क्रेशियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को और हमारे वीडियो में कमेंट भी करें। आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए अब लास्ट में आ गए हम और यहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रेशिया इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर अपने वर्क को हम उल्टा करेंगे। जस्ट बराबर वाली चैन में पीछे से धागा उठाएंगे हम और एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी पीछे का एक धागा उठाएंगे, सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्लाई का जो ऊन होता है ना ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ भी बना रहे हैं ना, फ्रॉक या जैकेट या स्वेटर या टोपा, तो इसी ऊन का इस्तेमाल करें। ये ऊन बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही हल्का होता है। तो देखिए सभी चैनों में हमने इस तरह से एक एक सिंगल क्रेशिया बना ली और लास्ट में भी बना ली। तो देखिए हमने आपको ये ना हर बार काउंट करना है कि 10 ही चैन होनी चाहिए। आप देखिए लास्ट में भी जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में भी हम इसी तरह से इसमें सभी में एक एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे पीछे का एक धागा उठाते हुए। जब भी हम पलटेंगे ना तो हम पीछे का ही धागा उठाएंगे और एक एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में इस तरह से डालेंगे और एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब देखिए इसमें हम फिर से इसी तरह, बस हमें इसमें 10 चैनों में इसी तरह रिपीट करते हुए हमें अपने जितना भी हमारे बच्चे का हेड है ना इसको नापते हुए इसमें हमें इस बॉर्डर को इतना बड़ा बना लेना है। तो मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि मैंने इसे कितना बड़ा बनाया है। तो बस इसी तरह हमें बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस हमें इसी तरह बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके इसे देखिए अब हमने इसमें इसको इतना बड़ा बना लिया है। आप जब इतनी बड़ी पट्टी बना लेंगे ना तो आप अपने बच्चे के हेड पे रख के देखें, अगर आपके बच्चे के सही आ रहे हैं ना तो बस आप वहीं से इसमें जॉइंट लगा के इसे गोल कर दें।
देखिए अब हमने इसको कितने बड़ा बनाया है ये हम आपको इसमें इंची टेप से नाप के बताएंगे। देखिए यहाँ तक हमारी 12 इंच और देखिए 16 इंच तक हमने इसे बनाया है। आप इसी तरह से इसमें लंबाई आगे बड़ी बना सकते हैं। आप इसे बड़े भी टोपे में इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं, जितना भी लंबा चाहें आप उसको बॉर्डर को बना लें। तो हमें 16 इंच तक ही इसे बनाना था तो हमने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए जिस तरह से हमने आपको बताया था सेम तरीके से हम बनाते हुए इसे हम बना के हमने रेडी करा है। अब देखिए हम इसको इस तरह से यहाँ पे जॉइंट भी लगाएंगे, तो जॉइंट लगाना भी आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें जॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों पट्टी को हम इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और देखिए इसमें जो यहाँ पे फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाली हमारी चैन, इसमें इस तरह से डालेंगे और देखिए यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, तो देखिए इसमें हमें, देखिए ये वाली चैन में हमें पीछे वाला धागा उठाना है। देखिए ये वाला धागा हम उठाएंगे इस तरह से और देखिए इसमें तो एक धागा होगा हमारा, तो इसमें हमें इस तरह से डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे या आप स्लिप स्टिच भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर ये वाला धागा उठाएंगे, फिर इसके बराबर वाला उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हम इसी तरह जितनी भी चैनें हैं सब में, सारी सबकी दोनों में की एक एक चैन बराबर से उठाते हुए और इसे हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हमारे यहाँ पे भी, इसमें भी उठाएंगे हम, देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी देखिए यहाँ पे हम इस तरह क्रोशिया हुक डालेंगे और इसमें भी इसी तरह डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से अब देखिए हमारे जॉइंट लग गया है। देखिए अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी यहाँ से उल्टी साइड है ये हमारी, और ये हम जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया इसे हम सीधी साइड रखेंगे। तो देखिए अब हम इसमें आगे, देखिए अभी हमारी पट्टी गोल हो गई है, तो ये हमारा टोपे का बॉर्डर बन गया है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इस ऊन को कट नहीं करेंगे, यहीं से हम ऊपर की बुनाई चालू करेंगे। तो जस्ट बराबर वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रोशिया, अब देखिए इस वाली जो ये हमारे ना, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाई। अब देखिए यहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो जॉइंट पॉइंट है ना, यहाँ पे भी बनाएंगे। अब देखिए इस जगह भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह सिंगल क्रोशिया की रॉ बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे और यहाँ लाके जॉइंट करेंगे। तो देखिए अब ये हमने यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाली चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये अब हमारी सिंगल क्रोशिया की रॉ बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पे देखिए एक चैन बनाएंगे और इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे हम इस ऊन को कट करने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे ऊपर की जो सिंगल क्रोशिया की रॉ थी रेडी होने के बाद, अब देखिए यहाँ से हम जहाँ से हमने ऊन को कट करा वहीं से हम इस ऊन को जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम इस तरह से अच्छे से ऊन को बांध लेंगे ताकि हमारा खुले नहीं। देखिए यहाँ से हम इस तरह से ऊन को पहले हम एक बनाएंगे चैन। देखिए हमने ऊन को जॉइंट करने के बाद दो, देखिए यहाँ पे अच्छे से ऊन को जॉइंट करने के बाद तीन चैनें बनानी है आपको। अब देखिए क्रोशिया पे बल लेंगे, जहाँ से ऊन को हमने जॉइंट करा है ना सेम जगह पे डालेंगे हम और एक फंदा निकालेंगे बाहर। अब देखिए एक और दो चैनें छोड़ेंगे। अब देखिए जो तीसरी चैन है ना, यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया पे बल लेके डालेंगे और देखिए यहाँ पे हमने, और अब इनको सबको हमें एक साथ निकाल देना है। ये जो तीन चैन का फंदा है ना, ये भी हम साथ में निकालेंगे और देखिए इस तरह से हम ऊन को सबको बांध देंगे सिंगल क्रोशिया बना के। अब देखिए जो दो चैनें हमने नीचे छोड़ी थी ना, अब देखिए हम इस तरह से पीछे से क्रोशिया हुक डालेंगे। पहले हम जो चैन के बराबर में फर्स्ट वाली चैन है ना, इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ से हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाई है हमने। अब देखिए सेकंड वाले में डालेंगे हम,
देखिए जो हमारी सेकंड वाली डबल क्रोशिया चैन है इसमें डालेंगे और एक हम यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए अब हमारे यहाँ पे बन गई है। अब देखिए नेक्स्ट में फिर हम क्रोशिया पे बल लेंगे जहाँ हम पहले बुनाई कर चुके हैं ना। देखिए सेम इसी पॉइंट पे हमें ये क्रोशिया हुक डाल के बल निकालना है। फिर देखिए एक और दो, फिर दो चैने छोड़ेंगे, तीसरी वाली में डालेंगे, फिर इस तरह से क्रोशिया में बल लेके फंदा निकालेंगे बाहर। और देखिए इसमें सबको एक साथ निकाल देना है, फिर एक चैन बना मतलब एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। फिर देखिए अब जो दो ये फंदे हैं पहले हम इसमें बिनाई करेंगे, इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक डालेंगे पीछे से और देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब देखिए दूसरी वाली में डालेंगे। अब जो देखिए ये जो हमारी दूसरी है ना इसमें डालेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना दी हमने। देखिए अब ये यह हमारे यहाँ से ना डिज़ाइन डालना हमने स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्रोशिया पे बल लेंगे और जहाँ हमने पहले फंदा निकाला था ना सेम उसी वाली चैन में डालेंगे। देखिए इस तरह से डाल के निकालेंगे बाहर क्रोशिया हुक में फंदा। अब देखिए एक दो दो चैने छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले में से भी क्रोशिया में बल लेके फंदा बाहर निकालेंगे और सबको एक साथ निकाल देंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे ना हमारी फिर दो चैने हैं, तो दो चैनों में से जो हमारी ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन है इसमें हम पहले डालेंगे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली में डालेंगे, देखिए जो दूसरी सिंगल चैन है ना हमारी, देखिए इस तरह पीछे से देखेंगे हम यहाँ पे और हमारी यहाँ पे हम जो हमारी चैन है उसमें डाल के और एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से डिज़ाइन पड़ जाएगा जब आप डालेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। अब देखिए जहाँ पे हमने फंदा पहले हम बना चुके हैं वहीं डालेंगे सेम, फिर दो चैने डाल छोड़ेंगे, तीसरी चैन में हम फिर इसी तरह से फंदा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाना भूल गए थे तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाएं। तो देखिए यहाँ पे फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट वाली में डालेंगे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब देखिए इसमें हम फिर इसी में डालेंगे और फिर दो चैने छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली में डालेंगे और सबको एक साथ निकाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए दो चैने रह गई हैं हमारी, जो पहले हम फर्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर सेकंड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए पहले फर्स्ट में बनाया था अब सेकंड में बनाएंगे। तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया। तो पूरी रॉ को इसी तरह हमें कंप्लीट करके, देखिए पूरी रॉ हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिर हम इसी में फंदा डाल के निकालेंगे और फिर जहाँ हमने जॉइंट करा था ना उन, अब हम देखिए दो चैने छोड़ेंगे फिर हम इसमें डालेंगे और फिर सबको एक साथ निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में हमें फर्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर देखिए सेकंड वाली में एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पूरी राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो तीन चैन बनाई थी ना इसके ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली चैन है उसमें हम इस तरह से डाल के और एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दूसरी राउंड के लिए भी फिर हम तीन चैने बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर जहाँ हमने चैने बनाई है ना, देखिए जो ये हमारा फर्स्ट वाला डिज़ाइन है इसी पे हम डालेंगे, फंदा डाल के निकालेंगे और फिर देखिए नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के ऊपर से डालेंगे, जस्ट ऊपर डालना है आपको, देखिए इस तरह से। फिर सबको एक साथ निकालना है, फिर एक चैन बनानी है और फिर देखिए दो चैने हमारी रह जाएंगी, जो दो डबल क्रोशिया बनाई थी ना हमने उसी की दो चैने रह जाएंगी। पहले फर्स्ट वाली में डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और फिर देखिए सेकंड वाली में बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमारी दो डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें इसी डिज़ाइन में डालना है जिसमें हम बना चुके हैं, अब फिर हमें नेक्स्ट वाले में डालना है डिज़ाइन में। देखिए नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में डालेंगे और एक फिर देखिए ये इस तरह से और फंदा बाहर निकालेंगे
फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी चैन बनाएंगे। फिर देखिए दो चैनें बची हमारी, फिर इन दो चैनों को भी हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए पहले एक डबल क्रोशिया फर्स्ट में बनाएंगे, फिर सेकंड में बनाएंगे। देखिए फिर सेकंड में बना ली हमने। अब देखिए फिर जहाँ हमने फंदा बना चुके हैं फिर हम इसमें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर डालेंगे इस तरह से, और सबको फिर एक साथ हम इनको इस तरह बाहर निकालेंगे, फिर एक चैन बना देंगे। फिर दो चैनें बची हैं हमारी नीचे, तो इनको हम इसी तरह बनाएंगे। पहले फर्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फ्रेंड्स जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ये बहुत ही आसानी से सिर्फ आप 2 घंटे में इस टोपे को बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसमें जहाँ पे हम बना चुके हैं यहाँ डालेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर सबको एक साथ निकालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस राउंड को हमें ना इसी तरह कंप्लीट करना है, और आगे के जितने भी राउंड है सबको बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने जिस तरह से हमने ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करा था ना, सेम तरीके से बनाते हुए अब हमने देखिए 3 रो हमने रेड कलर की बनाई है, 3 रो हमने इसमें फॉर्म कलर की बनाई है, और 2 रो हमने इसमें वाइट कलर की बनाई है। तो देखिए वाइट कलर की रॉ बनाने पे हम ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम अब फर्स्ट वाले में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको डिज़ाइन कहीं भी चेंज नहीं करना है, सेम बनाना है देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे सेकंड वाली में भी बनाएंगे, देखिए बना ली हमने। अब देखिए जहाँ पे हमने जहाँ पे हम पहले बना चुके थे ना फंदा निकाल चुके, अब हम सेम जगह पे डालेंगे, फिर देखिए लास्ट में डालेंगे जहाँ से स्टार्ट करा था हमने कलर, और बस फिर सबको एक साथ निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, सॉरी हाँ, और अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर दूसरे में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ये स्टार्ट करा था ऊपर वाली चैन में हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम तरीका है, आपको कहीं भी चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह ये बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए इस रॉ के बाद ना हमें इसमें कुछ फंदे कम करने हैं, तो किस तरह से कम करने हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। तो देखिए पहले 3 चैन बनाई हमने फंदा क्रोशिया में लेके, फिर नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में डाल के हमने चैन बनाई, फिर सबको एक साथ निकालना है। फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन में कुछ भी कमी नहीं करनी है, डिज़ाइन जैसा ना सेम बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ 2 चैनें छोड़ी थी ना, तो सिर्फ 1 चैन में हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए पहले हम 2 बना रहे थे, अब हम 1 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में हम एक बार फंदा निकालेंगे, फिर देखिए दूसरे वाले डिज़ाइन में फंदा निकालेंगे इस तरह से, फिर हम इसको सबको एक साथ निकालेंगे। सबको निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पे पहले हम 2 बना रहे थे डबल क्रोशिया, अब हमें 1 बनाना है इस तरह से। देखिए फिर हम यहाँ पे इसमें जहाँ बना चुके हैं यहाँ बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले में बनाएंगे और सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। अब फिर देखिए जो जहाँ हम 2 बना रहे थे वहाँ हमें 1 ही चैन में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। अब 2 नहीं बनानी है, अब 1 बनानी है हमें, क्योंकि हमें फंदे कम करने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में भी डिज़ाइन में निकालेंगे और सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 1 चैन में ही बस हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए जहाँ बना चुके हैं उसमें से निकालेंगे फंदा, और फिर नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे। आपको जिस तरह से डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन को सेम रखना है, बस हमें 2 डबल क्रोशिया की जगह 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने जहाँ बना चुके थे वहाँ बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, और फिर हम 1 चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए जहाँ हम बना चुके थे उसमें से फंदा निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे, और बस फिर 1 चैन बनाएंगे, 1 चैन में ही 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हमें राउंड कंप्लीट करना है। देखिए राउंड कंप्लीट करने के बाद अब देखिए लास्ट में आ गए हम, तो लास्ट में भी हमें 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चैन में ही 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
और फिर इसे जिस तरह से हम ज्वाइंट करते आ रहे हैं ना डिज़ाइन की चैन पे, इसे वहीं ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स जब इसे बनाएंगे ना तो आप इसमें ना जहाँ कहाँ पर आपने ज्वाइंट करा है ये भी आप बनाने के बाद नहीं जान पाएंगे। तो देखिए अब हमें इसमें अभी और फंदे कम करने हैं, तो डिज़ाइन तो हमें सेम ही बनाना है तीन चैन के बाद में इस तरह से। अब हम यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया बना रहे थे ना अभी हमने जो इसमें बनाई थी, अब हम वो भी नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए यहाँ से फिर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में निकालेंगे और सबको एक साथ निकाल के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए यहाँ से फिर देखिए हम डिज़ाइन में से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट डिज़ाइन में से फंदा निकालेंगे और सबको एक साथ निकाल के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से अब हमें सिर्फ डिज़ाइन बनाते हुए जाना है, अब डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। देखिए इसमें से निकालेंगे फंदा, इसमें से निकालेंगे और बस अब हम इसमें इसी तरह से बुनाई करेंगे। अब देखिए फिर हमने जहाँ फंदा निकाला था उसी जगह से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में से निकालेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। तो जिस इस तरह से हमें तीन रॉ कंप्लीट करनी है, जिस तरह से हम बना रहे हैं ना इस तरह से हम तीन रॉ बनाएंगे। देखिए ये तीन रॉ हमने बना के कंप्लीट कर ली है, एक दो तीन। अब हम इसमें यहाँ से डिज़ाइन बनाना बंद कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाली चैन है ना इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया में बल लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर क्रोशिया पे बल लेंगे, देखिए नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे। देखिए जो चैन नज़र आ रही है ना हमारी, इसमें डालेंगे और तीनों को एक साथ निकालेंगे फंदों को, फिर देखिए इसमें डालेंगे क्रोशिया पे बल लेके और तीनों को एक साथ निकालेंगे। तो हमें सभी चैन जितनी भी नज़र आ रही ना इसमें सभी चैनों में इसी तरह एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रॉ को कंप्लीट करना है। देखिए इसमें हमें सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया की रॉ बना के इसे रेडी करेंगे। जितनी भी चैन है हमारी सभी में इसमें हमें डबल क्रोशिया की हाफ डबल क्रोशिया की रॉ बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने हाफ डबल क्रोशिया की रॉ बना के कंप्लीट कर दी है। अब हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा ऊन हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि जब हम इसमें सिलाई करेंगे ना तो उसके लिए भी हम ऊन इसी में से ही कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसे धागे को अच्छे से बंद कर देंगे और यहाँ पे सुई की मदद से, देखिए हमारी बड़ी सुई की हेल्प से, या आपके पास जो प्लास्टिक की सुई होती है आप उससे, किसी भी चीज़ तरह की सुई से आप इसमें देखिए इस तरह से सभी हाफ डबल क्रोशिया की जो रो है ना उसमें हमें इस तरह से सभी में ऊन को प्रो लेना है। देखिए इस तरह हमने ऊन को सब में से बाहर निकालेंगे, जितनी भी हमारी है ना बस पास पास में हम इसमें सुई डालते हुए इस तरह से, देखिए इस तरह हम सब में इसमें एक पोटली की तरह हम इसमें बना लेंगे इसे पहले। देखिए अब ये हमारी यहाँ से देखिए हमने पूरे में सब में ऊन को अच्छे से डालने के बाद अब हम इस टोपे को उल्टा करेंगे। देखिए उल्टा करने के बाद अब इसे अच्छे से हम पहले खूब अच्छे से इसे हम खींच के बिल्कुल हम इसे बराबर से मिला लेंगे और इसको इसी तरह देखिए इसमें हम फिर इसी सुई की हेल्प से इसे हम इसमें सिलाई कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे आप सिलाई कर देंगे, इसे अच्छे से बांध देंगे ताकि ये पीछे से हमारे इसमें दिखे नहीं। तो आप जिस भी कलर से इसको बना रहे हैं ना उसी कलर के ऊन से इसकी सिलाई करें। अब देखिए यहाँ से हमने इसे अच्छे से बांधने के बाद इसे हमने देखिए हमारे अच्छे से बन गया है ऊन। अब देखिए हमारे टोपे का लुक बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें आपको पिंपम लगाएंगे दिखाएंगे। देखिए अब हमारा टोपा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम पिंपम लगा देंगे और नीचे भी हम आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे कि हमने ये जिगजैग वाला डिज़ाइन किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें पिंपम लगा के रेडी कर दिया है। देखिए इसका डिज़ाइन ना फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैमरे में भी और रियल में तो ये वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखिए ऊन को हम ज्वाइंट करेंगे, एक चैन बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे,
फिर देखिए नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, फिर देखिए एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से ये मेरा डिज़ाइन बन गया था, और बनने के बाद ना इसमें टोपे में जो लुक आया था ना बहुत ही प्यारा आया था। तो आप जब इसे बना के रेडी कर लें तो आप इसको एक बार जब देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, और मात्र 2 घंटे में ना ये बन के रेडी हो जाता है, इतनी जल्दी ये डिज़ाइन बनता है। तो आप इसी तरह से बना के इसे रेडी करें, और बनाने के बाद मैं पूरा लुक आपको इसको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए अब हमारा प्यारा सा टोपा बन के रेडी हो गया है। आप इसको लड़के को पहनाएं, लड़की को पहनाएं, किसी को भी पहनाएं, सब पे सूट करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और इसमें हमने जितने भी कलर लगाए बहुत ही प्यारे हैं, और मेरे लगाए हुए ये कलर आपको कैसे लगे ये भी मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।